एमएस धोनी की अगर एक छोटी सी झलक भी दिख जाए ना तो वो पूरी सोशल मीडिया पे ट्रेंड पे आ जाते हैं। चाहे आप अंबानी की शादी की बात कीजिए, अभी जो प्री वेडिंग हुई वहां पे एक झलक दिखी है, वहां से ही लोग जो है बहुत क्रेजी हो गए हैं। लेकिन वो वेडिंग वाला सिस्टम जो है खत्म होते होते ही एमएस धोनी ने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली और वहां पे उन्होंने लिखा, कांट वेट फॉर द न्यू सीजन, समथिंग न्यू रोल जो है उनके लिए आने वाला है, स्टे ट्यून्ड बोल के वो जो है न्यू रोल उन्होंने बोला है। और इसके बाद से जो है ना सोशल मीडिया पे और ज्यादा तहलका मच गया, ऑलरेडी ट्रेंड पे थे, ट्रेंडिंग वाला जो ट्वीट्स हैं वो और भी ज्यादा बढ़ गए, चारों तरफ चर्चा होने लगी कि आखिर ये नया रोल होगा क्या। तो बहुत से लोगों का ऐसा मानना था, बहुत लोग ऐसे कह रहे थे कि यार जो है ना एम एस धोनी वो कप्तानी छोड़ देंगे, कुछ का ऐसा मानना है कि शायद ये रिटायरमेंट की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने ये भी बोल दिया कि यार हो सकता है ना कि वो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खेल सके यार। लेकिन मैं ये नहीं समझ रही हूँ कि आप हर एक चीज को नेगेटिव ही क्यों देख रहे हैं। मतलब बीइंग अ थाला फैन, आज एक नॉर्मल जो है था अनबायस होके या बाकी सारी चीजों को मैं छोड़ दूँ, सिर्फ एक थाला फैन की तरह सोचूं, तो व्हाई कांट आई बी अ पॉजिटिव पर्सन। मतलब आप खुद देखो, एक सिंपल सीधी सी बात है, एम एस धोनी ने सबसे पहली बात आप देखो कि कहाँ पे पोस्ट किया है, फेसबुक पे। तो सबसे बड़ा जो रीजन है दैट ऐसा जो भी लोग कह रहे हैं कि रिटायरमेंट हो जाएगी या फिर खेलते हुए आपको नजर नहीं आएंगे या हो सकता है कि वो कप्तानी छोड़ देंगे या फिर ऐसा हो सकता है इंपैक्ट प्लेयर की तरह खेलेंगे, ये सारी चीजें हटा दो, या कि विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि घुटने में दिक्कत है तो कीपिंग नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक सिंपल सीधी सी बात बताओ, उन्होंने कहाँ पे पोस्ट किया, फेसबुक पे। जनरली एम एस धोनी जब वर्क रिलेटेड होता है या फिर ओवरऑल अगर देखा जाए, चाहे अपनी रिटायरमेंट का टाइम याद करो, उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, ट्विटर वगैरह पे यूज कर देते हैं। फेसबुक पे आप जाकर एक बार अगर महेंद्र सिंह धोनी के फेसबुक पोस्ट देखेंगे, वहां पे आपको सब के सब एडवर्टाइजमेंट्स दिखेंगे। जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। तो हो सकता है ना कि यार ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का स्टंट हो। अब लोग कहेंगे कि यार एडवर्टाइजमेंट में पेड पार्टनरशिप वगैरह वगैरह लिखा जाता है, तो अब इसका भी एक रीजन बहुत ही आराम से बहुत रीसेंट एग्जांपल देती हूँ। प्यूमा इंडिया से जब अनुष्का शर्मा जुड़ी ना, तो उससे पहले उन्होंने पोस्ट किया कि why is Puma using my images without my permission, और उसको रीपोस्ट किया था जो प्यूमा के उस टाइम के ब्रांड एम्बेसडर थे, वो थे विराट कोहली। अब इसके बाद से जो है बहुत ज्यादा मीडिया में सवाल उठ रहे हैं कि ये कैसे हो गया, प्यूमा ने इतनी बड़ी गलती की उसे की, और उसके अगले दिन समझ आ रहा है कि प्यूमा ने जो है साइन कर लिया अनुष्का शर्मा को भी। तो विराट और अनुष्का दोनों ही ब्रांड एम्बेसडर हैं प्यूमा इंडिया के। तो अब ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है एम एस धोनी के साथ, क्योंकि एम एस धोनी ने ऐसा एक बार और किया है, और वो कब किया था, पिछले साल जो है जब वर्ल्ड कप था T20 वर्ल्ड कप, उस दौरान जो है उन्होंने फेसबुक पे ही पोस्ट किया कि मैं शाम को लाइव आने वाला हूँ, और ये बात सब एक्साइटेड थे। वहां पे भी कहीं नहीं बताया गया था कि इतना कुछ बड़ा एक पेड पार्टनरशिप है या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन शाम को जब 5 बजे करीब जब वो लाइव आते हैं तो यूट्यूब चैनल पर एक रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव चला जाता है जो कि एक एड था, जो कि सिंपल सीधा सा एक एड था। तो ऐसा ही एक बार फिर से हो सकता है ना कि वो जो नया रोल है, क्योंकि एम एस धोनी अपने एडवर्टाइजमेंट्स में सबसे ज्यादा यूनिक रोल्स में नजर आते हैं, जो जनरली हम लोग कैप्टन कूल को नहीं जानते हैं, वैसे वो दिखते हैं और बहुत ही अलग तरीके से जो है वो खुद को प्रेजेंट करते हैं। तो चलो ये तो बेसिक बात हुई, मेरी स्पेकुलेशन है कि शायद ये एडवर्टाइजमेंट होगा। अब दूसरा रीजन आता है खेल के पर्सपेक्टिव से। खेल के पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि लोगों के ऐसे कहने कि वो इंपैक्ट लेकर खेले, यार इंपैक्ट प्लेयर नए खिलाड़ियों को लेके जाया जाता है ताकि देखा जाए कि वो इन अ गिवन सिचुएशन किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। एम एस धोनी को जरूरत नहीं है इंपैक्ट प्लेयर बनने की। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लिए, भाई एम एस धोनी के जो दोस्त हैं, बहुत ही करीबी दोस्त हैं जिनको आपने पिक्चर में भी देखा, जो परम जी हैं, उन्होंने भी ये बात बोली कि एम एस फिट हैं और वो 24 आईपीएल तो क्या आगे आने वाले 2-3 सीजन और खेल सकते हैं। तो ये तो बात हुई उनके दोस्तों की, जो उनके बिल्कुल करीबी हैं वो ऐसी बात बोल रहे हैं, मैनेजमेंट ऐसी बात बोल रहे हैं कि थाला जो है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, थालों को जो प्लेयर्स चाहिए थे वो प्लेयर्स हमने ला के दिए हैं उनको। और इसके बाद आपको लग रहा है कि क्या एम एस धोनी कप्तानी छोड़ेंगे या फिर टीम से रिटायरमेंट लेंगे, और रिटायरमेंट अगर लेनी होती तो एज एक्सपेक्टेड लोगों का कहना है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है एम एस धोनी, वो सब कुछ प्लान करके या फिर पहले से बता के या फिर ये कहते कि अपना फेयरवेल गेम लेके नहीं जाते हैं। लेकिन आप एक चीज देखो ना, पिछले सीजन में उन्होंने खुद बोला कि नहीं भाई मैं एक और सीजन ट्राई करूंगा, और वो ट्रायल में उन्होंने प्रैक्टिस की है, खुद के ऊपर फिटनेस पे काम कर रहे हैं। आपको जब देखो तब बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं एम एस धोनी, और उसके बाद से आप ये सवाल उठा रहे कि शायद वो रिटायरमेंट ले लीजिए। इन अ गिवन केस बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, वो हो सकता है कि आपका हाफ सीजन खेले या पूरा का पूरा भी खेले, जैसे चन्नी बाहर हो बोले कि हाँ मैं नहीं खेलूंगा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप अभी से क्यों कह रहे हैं कि वो जो नया रोल है वो कैप्टेंसी नहीं करने वाला, यानी कि एज अ प्लेयर ही होगा। अब उसके अलावा अगर बात की जाए तो एक नया रोल जो मैं जानती हूँ मेरे हिसाब से, जो कि शायद और भी सीएसके के फैंस होंगे उनको पॉजिटिव लग रहा होगा, वो ये होगा कि वो बल्लेबाजी करने, जो अभी तक डाउन द ऑर्डर आते थे, लोग तरस गए थे एम एस धोनी को बैटिंग करते हुए देखने के लिए। हमने देखा कि पिछले सीजन में भी कई ऐसे मौके थे जहां पे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि एम एस आएंगे, बट वो नहीं आए, किसी और को भेज दिया। वो सारी चीजों को खत्म करने के लिए मुझे लगता है कि एम एस धोनी जो है वो बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेविन कॉनवे जो है वो हो चुके हैं इंजर्ड, और उनका जो आईपीएल का पहला फेज है वो खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ तो होंगे, लेकिन शिवम दुबे भी हैं जो आपके फर्स्ट फेज में आपको नजर नहीं आ सकते हैं। उसके अलावा रहाणे की फॉर्म उतनी खास अच्छी नजर आ नहीं रही है। लेकिन अगर बात की जाए अंबती रायडू जो हुआ करते थे वो अब है नहीं,
रविंद्र जडेजा इज इन गुड पेस, तो उसको हो सकता है ना कि यार एमएस धोनी खुद को नंबर 3, 4 या 5 पे प्रमोट कर ले और आ जाए ऊपर, क्योंकि हमने देखा है कि एमएस धोनी ने अपने शुरुआती समय में नंबर 3 पर बल्लेबाजी की, जो 183 नॉट आउट बनाए थे वो भी 3 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए ही बनाए थे। तो ये सारी चीजें भी तो हो सकती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक और चीज को कनेक्शन को जोड़ दे, क्योंकि एमएस धोनी खुद कहते कनेक्शन समझो, तो उन्होंने जो है लॉन्ग हेयर रखे हैं, वो सेम हेयर स्टाइल जो है वो रिपीट कर रहे हैं, कौन सा साल 2004 वाला जब उनका डेब्यू हुआ था, और डेब्यू कैसे हुआ है वही वो लॉन्ग हेयर थे, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो नंबर 3 पर ही वो बल्लेबाजी करते थे, बहुत बाद में ऐसा हुआ और एमएस ने खुद ही कैप्टनसी में आके खुद को और भी ज्यादा नीचे भेजना शुरू किया, खुद नीचे बहुत आने लगे, लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए तो वो ऊपरी बल्लेबाजी में 4-5 तक वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। हो सकता है कि एमएस धोनी जो है वो आपको एक बार जो ये नया रोल है, वो नया रोल ये हो कि वो बल्लेबाजी करने आ सकते हैं जल्दी, यानी कि टॉप द ऑर्डर में आपको देखने मिल सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या एमएस धोनी ऐसा कुछ करने वाले हैं, नहीं करने वाले, क्या ये सच में एडवर्टाइजमेंट है, क्या एमएस धोनी सच में रिटायरमेंट ले सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। बाकी कैप्टेंसी छोड़ेंगे, नो चांस, कैप्टेंसी छोड़कर देख लिया था कि जडेजा जो है वो कप्तानी करेंगे, ग्रूम करेंगे, लेकिन आई रियली डाउट। उसके अलावा अगर बात की जाए टॉप ऑर्डर में आने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इसके अलावा और क्या बात हो सकती है, क्या इसका मतलब हो सकता है, ये नया रोल क्या हो सकता है, आप अपनी राय जो है ना फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और क्रिकेट से जुड़ी और भी जानकारी, अपडेट्स और ऐसे रिएक्शंस के लिए जो है ना प्लीज क्रिकेट इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी ही मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।